हम लोगों ने ट्विटर लिंक्डइन पे डाला था कि रणवीर के साथ में इंटरव्यू है और आप कोई 7% क्वेश्चंस सिर्फ एक ही चीज के बारे में है और वो आपके एनर्जी के बारे में है। जी हाँ, एनर्जी के बारे में और आपके कपड़ों के बारे में। जी हाँ, एंड दैट्स सच अ बिग प्लस पॉइंट। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आपको भी याद होगा कि वन ऑफ आवर फर्स्ट अवार्ड्स जब हम लोग बैक स्टेज पे बैठे थे और आप आमिर खान जी का इंटरव्यू लेने वाले थे। अरे हाँ, याद आया मेरे को, फर्स्ट महाराष्ट्र ऑफ द ईयर। हाँ, यस। सो बाजीराव मस्तानी के लिए आपको अवार्ड मिला था। जी हाँ, बाजीराव मस्तानी, याद है? याद है आपको? गाना याद है? गाएंगे क्या मेरे साथ? 1 2 3 4 हा 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 हा। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्लहारी कड़क तड़क भड़क जाली चटक मटक वटक जाली दुश्मन की देखो जो वाट लावली। हा हा। सर मैं आपके भी गाने का, आपका इतना बड़ा फैन हूं, मेरे को आपके सब गाने याद है। क्रांतिवीर वाला मेरा फेवरेट। क्रांतिवीर पिक्चर की थी आपने, याद है सर? क्रांतिवीर, क्रांतिवीर पिक्चर। सर मुझे भूलना अच्छा लगता है। सर आपकी फिल्में हमारे दिलों में, हमारी यादों में हमेशा ताजा रहेंगी। वो डायलॉग, वो गाने, एन आइकॉनिक एक्टर। आई एम हम्बल टू बी ऑन दिस स्टेज विथ यू सर। और एनर्जी और फैशन, हाँ जी सर, सब इसके बारे में बात करते हैं। आई होप कि आगे जाते हुए मेरा कोई मेरी एक्टिंग भी नोटिस कर ले। योर एक्टिंग इज द बेस्ट रणवीर, इसलिए एक्चुअली महाराष्ट्र ऑफ द ईयर में आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार अवार्ड दिया जा रहा है। यस yes! और इसी बात पे, यही है ना मेरा, यस क्यारा, ये तेरा तो नहीं ना, जाने से पहले एक बार हर हर महादेव बोलो। गणपति बप्पा, एक और बार गणपति बप्पा। थैंक यू एवरीबॉडी।